हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एम्बाइव क्लासेस और मैं हूं प्रीति आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ गई हूँ व्हाट आर फंजाई तो लेट्स सी कि क्या है फंजाई ओके okay? इसके बारे में अच्छे से हम डिस्कस करते हैं राइट किंगडम फंजाई ओके व्हाट इज किंगडम फंजाई अगर हम देखें किंगडम फंजाई को तो हियर यू कैन सी ट्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दी फंजाई ओके ये क्या है डिफरेंट टाइप्स के फंजाई हैं ठीक है और अगर फंजाई के बारे में हम विस्तार से देखें तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट यू नीड टू टेल मी कि वॉट इज है्ट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बाई टू टाइप्स के जो है न्यूट्रिशन क्या है टू टाइप्स का हैट्रोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक तो ऑटोट्रोफिक जो ग्रीन पिगमेंट का क्लोरोफिल कंटेन करते हैं दे कैन प्रिपेयर देअर

तो यहाँ पे क्या है हमारा किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है जो फंजाई है वो क्या है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स जो न्यूट्रिशन है इनका हेट्रोट्रॉफिक है दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड ओके दे आर डिपेंड ऑन अदर्स ओके टू मेक टू ऑपटेन देयर फूड ओके अ डाइवर्स हैबिटाट एंड मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हो यहाँ पे ये गोल्स सा है यहाँ पे कनेडिया काइंड ऑफ थिंग्स निकला हुआ है चेन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे कुछ डिफरेंट वो है तो मॉर्फोलॉजिकली भी अगर फंजाई को देखोगे तो वो क्या है डिफरेंट वो है अच्छा फंजाई आप समझ रहे हो ना लाइक फंगस फूड कभी देखा होगा कि ब्रेड के ऊपर कुछ ब्लैक ब्लैक सा वो लग गया है दैट इज़ नोन एज दी फंगस ऑफ फूड ओके मशरूम दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ फंजाई ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशरूम्स तो दिस इज़ कभी कभी क्या होता है कि गीली दीवारों पर हम व्हाइटिश uh, चीज़ देख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ फंगस ओके तो ये फंगस फंजाई बो आला द मीन्स दिज आर द हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजी में ये डिफरेंट होते हैं ओके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजी होती है इनका हैबिटेट भी डिफरेंट होता है मीन्स डाइवर्स हैबिटेट कुछ क्या है आपको मॉइस्ट जगह पे मिलेंगे मतलब ऐसा ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है ये कहीं भी आपको आप देख सकते हो अचार का डब्बा छोड़ दिया उसमें फफूद लग जाती है आ, कपड़ों में तक फफूद लग जाती है दैट इज फंजाई ओके तो ये कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर है हर जगह मिलते हैं ओके नाउ यूनी सेलुलर फंजाई अच्छा फंजाई क्या है सिंगल सेल में भी प्रेजेंट है और मल्टी uh, सेलुलर भी है तो अगर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि यूनी सेलुलर फनजाई का भाई एग्जाम्पल दे दो तो क्या है ईस्ट वाई ई एस टी ईस्ट ओके जो ब्रेड बनाने में यूज होती है राइट ईस्ट ओके पैरासिटिक फंजाई पैरासिटिक फंजाई मीनस ये फंजाई जो है वो प्लांट्स में एनिमल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओके okay? तो उनमें क्या है ये है पक्सीनिया पक्सीनिया जानते हो इससे एक रस्ट की बीमारी जो है वीट में गेहूं में लग जाती है पक्सीनिया ग्रामिनिस उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर फंजाई का नाम है ओके देन एस्परजिलस अच्छा ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के भी हैं भाई जब कोई बैक्टीरियल डिजीज हो जाती है तो ये फंजाई जो है वो मेडिसिन बनाने मीन्स एंटीबायोटिक्स का भी सोर्स है ओके कॉस्मोपॉलिटन ऑलरेडी मैंने बताया कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर मीन्स हर जगह मिलते हैं ओके ग्रो वेल इन एंड ह्यूमिड प्लेसेस बट एक शर्त है इनके लिए कि ये ग्रो वही करते हैं जहां थोड़ा सा ह्यूमिडिटी हो ओके और हल्का सा वार्मनेस हो ओके ऐसी तो जगहों पे आप देखोगे कि बड़ी आसानी से जो है वो फूद या फंगस जो है उगाती है ओके चलो एक एक चीज को हम बहुत डिटेल में देखते हैं कि कैसे क्या है और इसके बारे में सी हियर अगर आप देखोगे इसको तो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई अगर देखोगे कि तो क्या है स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई फिलामेंटस ओके जनरली ये क्या है फिलामेंटस और ईस्ट इनका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो वो फिलामेंट काइंड ऑफ थिंग्स है इस तरह से ओके okay? अच्छा यहां पे एक उसका एक्सेप्शन भी दे दिया ईस्ट ईस्ट बाई सिंगल सेल है तो वो कैसे फिलामेंटस होगी ओके okay? तो ईस्ट को छोड़ के जनरली ये फिलामेंटस होते हैं कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं हाइफे ओके याद रखना हाइफे ओके नेटवर्क ऑफ हाइफे फॉर्म माइ अच्छा एक को मैंने यूनिट को जो है वो हाइफे बोला और ये इस तरह से अगर नेटवर्क में है तो दीज आर दी माइसेलियम ओके क्या बोला मैंने माई ये हाइफे बंच में मिलके क्या बनाते हैं माई ओके कोइनोसाइटिक हाइफे अच्छा ये हाइफे क्या है जो ये हाइफे तुम अगर देखोगे इसको डिटेल में इस तरह से कई सारे ये साइटोप्लाज्म अंदर होगा कई सारे जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कोइनोसाइटिक हमेशा याद रखना कोइनोसाइटिक ओके हाइफे दैट फॉर्म कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड ओके देखो मैं इस बात को हमेशा क्लियरली कोइनोसाइटिक का मतलब क्या हुआ हाइफे मगर मैंने बोला कि कोइनोसाइटिक है इट मीन्स अगर ये फिलामेंट का स्ट्रक्चर हम देखेंगे इस तरह से तो इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं मल्टी न्यूक्लिए दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज कोइनोसाइटिक ओके वॉल्स और सेपटेट इन देयर हाइफे क्या होगा कई में जो है कई के हाइफे में इस तरह से क्रॉस वॉल हो सकती है ओके okay, तो इसको बोलते हैं सेप्टेट अच्छा काइटीन एंड पॉलीसेक्राइट्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ देयर सेल वॉल ओके ये सेल वॉल भी प्रेजेंट करती है जिसमें मेनली काइटीन हो और पॉलीसेक्राइड जो काइटीन है वो प्रेजेंट होता है ओके वॉट माई पॉइंट अच्छा देखो एक बार ध्यान से देखते हैं फंजाई के बारे में फंजाई कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर पहली चीज मैंने बताई ओके okay? और अगर स्ट्रक्चर वाइज तुम देखोगे तो स्ट्रक्चर वाइज फंजाई क्या है स्ट्रक्चर वाइज फंजाई क्या है Pilamentus है ईस्ट को छोड़ के ईस्ट क्या है यूनिसेलुलर फंजाई है ओके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं हाइफे बोलते हैं ओके okay? और ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफे है वो क्या बनाता है माइसेलियम ओके okay? क्या बनाता है माइसेलियम एकदम दिमाग में अपने आप फिट कर लो क्या बनाता है माइसेलियम जो हाइफे है ओके बंच अच्छा कोइनोसाइटिक हाइफे हाइफ़े दैट फॉर्म्स कंटिन्यूस ट्यूब फील्ड मीन कोइनोसाइटिक स्ट्रक्चर है समझ लो जैसे कि पानी का कटोरा है उसके अंदर बहुत, बहुत सारी चीज़ें कोई गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत सारी भरी तो इमेजिन बस आपको ये करना है कि हाइफे में साइटोप्लाज्म है और उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं कोइनोसाइट ओके नाउ कुछ फंजाई क्या है क्रॉस वॉल प्रेजेंट होते हैं उनके हाइफे में इस तरह से तो उसको हम क्या बोलते हैं सेप्टेट ओके और जो फंजाई है वो भी सेल वॉल कंटेन करता है तो इनका जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है काइटीन का ओके किसका बना होता है काइटीन का जो कि पॉलीसेक एंड पॉलीसेक्राइड्स जो है वो मेन उसके सोर्स होते हैं बनाने में ठीक है अच्छा अब देखो हैट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई मैंने बोला कि दे डोंट कंटेन ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल तो फूड कैसे बनाएंगे डेफिनेटली किसी और पे डिपेंडेंट है फूड बनाने के लिए तो इस तरह के नेचर को हम क्या बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक अब हैट्रोट्रॉफिक में भी ये सेप्ट्रोफाइटिक इन नेचर है सेप्ट्रोट्रॉफ्स इन को बोलते हैं सेप्ट्रोट्रॉफ्स क्यों बोलते हैं सी हियर सेप्ट्रोट्रॉफ्स क्या करते हैं ये कुछ इस तरह की चीज़ें सिक्रीट करते हैं ठीक है कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं जो कि बाहर जो जैसे सपोज इसने कुछ एंजाइम सिक्रीट किया तो बाहर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है ना उसको डाइजेस्ट कर दिया और उसके बाद फिर इसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया डेड एंड डिकेइंग मैटर को ये जो है वो क्या करते हैं पहले डेड एंड डिकेइंग जो मैटर है उसको क्या करेंगे उसको एंजाइम के थ्रू डाइजेस्ट करेंगे आउटसाइड ओके okay? उसको लिक्विड फॉर्म में कर देंगे देन दे विल इस तरह के नेचर uh, को क्या बोलते हैं सैप्रोट्रॉफ दे ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेक ऑर्गेनिक मैटर ओके तो एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर ये सैप्रोफाइट्स हो गए अच्छा यहां पे एक वर्ड यूज किया है सिम्बाट्स ओके okay, तो सिम क्या होता है कई बार क्या होता है कि ये फंजाई जो है ये फंजाई कुछ एसोसिएशन में मिलते हैं समझते हो मीन्स ये एलगी के साथ हो गए एलगी तुम्हें तो पता है भाई ग्रीन कलर की होती है तो दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड तो एलगी वाला पार्ट और फंजाई वाला पार्ट दोनों साथ कंबाइंड हो गए साथ में रहने लगे तो एलगी ने क्या किया एलगी ने कहा कि ठीक है मैं ग्रीन हूँ तो मैं फूड बना देता हूँ भाई बस उसके लिए उसको कुछ रॉ चीज़ें चाहिए उसको मॉइस्चर चाहिए आ, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए तो मॉइस्चर ऑर्गेनिक मटेरियल का काम जो जो सोर्स का काम है वो क्या करेगा वो फंगल वाला पार्ट वो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर तो दोनों आराम से साथ में वो उसने उसको फूड दे दिया ग्रीन कलर चूंकि बना लिया और इसने क्या किया आ, इसने वाटर को एब्ज़ॉर्ब किया और आ, ग्रीन प्लांट को मीन्स ग्रीन पार्ट को ग्रीन एलगी को दे दिया तो इस तरह के एसोसिएशन को हमने क्या बोला सिंबायोटिक काइंड ऑफ एसोसिएशन तो इसको सिम्बॉन्ट्स बोला ठीक है बट मेनली जो फंजाई हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं दे आर सेप्रोट्रॉप एब्जॉर्ब करते हैं ऑर्गेनिक डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ओके नाउ साइंटिस्ट एस्टिमेटेड दैट फंजाई हैव बिन अराउंड फॉर ओवर सिक्स मिलियन ओवर मतलब बहुत पुराने हैं ये अच्छा कुछ यूजेज़ अगर फंजाई के तुम देखोगे तो क्रिएटिंग मेडिसिन मैंने बोला कि पेनिसिलियम ओके कहाँ से बनता है ये एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक है सोर्स इज द फंजाई देखिए सॉयल फर्टिलिटी फूड ये सब सोर्स है फूड भाई मशरूम फंजाई है आ, हम उसका यूज़ कैसे करते हैं सब्जी बनाने में करते हैं ना दैट इज़ द सोर्स ऑफ फूड ओके यहाँ देखो ए फंजाई फ़ीड ऑन ऑर्गेनिक मैटर सम फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ एंड फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल ये लकड़ी है ब्रांच है एक ओके उसको डेड करके वो एब्जॉर्ब कर रहा है देखा होगा नॉर्मली कि गीली जो लॉगर हॉट्स होती हैं या उस तरह की लकड़ी होती है उस पर कई बार फंजाई उगाते हैं ठीक है देखो वी नीड फंजाई फॉर मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज डम्पोजिशन भाई जो हमारे नेचर में चीज़ें सड़ती हैं तभी तो वो ख़त्म होती हैं आपने छिलका फेंक दिया घर के बाहर कागज उठा के फेंक दिया जो ऑर्गेनिक मटेरियल है मैं उसकी बात कर रही करूँगी अब शीशा और टिन और ये सब फेंकोगे तो वो नहीं डिकम्पोज होंगी तो वो डिकम्पोजिशन किसके हेल्प से होता है ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन द डिकम्पोजिशन ओके okay, वो सिम्प उसको सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज नोन एज द डिकम्पोजिशन ओके और ये तुमको बताया ही ऑलरेडी कि ये मॉइस्ट और वार्म प्लेसेस पे उगते हैं ठीक है एग्जाम्पल ऑफ यूनि सेलुलर फंजाई ईस्ट है ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ईस्ट मशरूम जो है हमारा वो मल्टी सेलुलर है ओके गॉट इट सी हियर दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मशरूम्स ओकेज ऑल्सो मशरूम ओके अच्छा कुछ फंगल डिजीजेज देखो ये है मैंने बोला था ना कि ब्लैक रेड रेस्ट रस्ट जो है वो गेहूं के उसमें मुखते हैं पक्सिनिया पंजाई की वजह से ओके okay? एनिमल्स uh, में भी जो है कुछ तरह की जैसे कि uh, ये uh, रिंग वाला जो होता है हमारा ओके okay? तो राउंड स्ट्रक्चर्स नहीं देट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द फंजाई वो हो की वजह से जो है वो आ, रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है ओके ऑन द स्किन बहुत सारी स्किन की डिजीजे हो जाती हैं फंजाई की वजह से ओके ना यू सी हियर कई तरह की डिजीजेज हो जाती हैं ओके तो टुडे वी केम टू नो कि व्हाट इज फंजाई व्हाट आर फंजाई देखो सिंपल सी ये क्या होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कान देर प्रिपेयर देयर ओन फूड पैप्टोट्रॉफ्सिस नेचर मीन्स दे एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मटेरियल ठीक है और बहुत सारे अगर उसका स्ट्रक्चर वाइज देखोगे तो ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है एंड अदर एग्जाम्पल्स लाइक मशरूम एंड ऑल दिज आर मल्टी सेलुलर अच्छा ईस्ट का अगर सॉरी uh, ये फंजाई का अगर जनरल स्ट्रक्चर देखोगे तो हाइफे जो है बनाते हैं और हाई नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज दी माइसेलियम ओके सेप्रोट्रॉफ्स काइंड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें तो सेप्रोट्रॉफ्स मीन क्या है ये एंजाइम्स ये जिस जो है वो सिक्रीट करते हैं बाहर जो है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन दे आर गोइंग टू एब्जॉर्ब ओके तो इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ओके और बहुत सारे इनके इकोनॉमिकल इनकी इंपॉर्टेंस है लाइक like, एंटीबायोटिक्स uh, uh, के लिए यूज़ होते हैं फूड का सोर्स है ओके okay, मशरूम आप खाते हो ना ईस्ट ओके कन्वर्टिंग ब्रेड बनाने में इसका यूज़ होता है तो डिफरेंट काइंड ऑफ मीन्स फंजाई जो है ये हार्मफुल भी हैं लाइक पक्सीनिया गेहूँ में जो है वो रस डिजीज कॉज करता है ओके okay, बहुत सारी स्किन की की वजह से हो जाती हैं दे आर ए कॉस्मोपोलिटन इन नेचर मीन्स हर जगह ही तुमको मिल जाएंगे ओके okay? और वार्म और मॉइस्ट प्लेसेज में उगते हैं तो दिस इज़ द दीन्स ऑल अबाउट द जा और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करो ये डिफरेंट एम्बाइब के फीचर्स हैं ओके एंड दिस इज हमारा एप डाउनलोड इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप एम बाइबिंग कीप एम्बाइबिंग